दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। आज की जो कहानी है वो दो भाइयों की है, कबीर और देव। और उनकी एक रिलेटिव जिसका नाम है प्रगति, प्रगति जब उनके घर छुट्टी मनाने आती है तो उसके साथ बहुत अजीब अजीब से इंसिडेंट होते हैं। तो देखिए, एंजॉय कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे लगे तो। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी दो भाइयों की है, कबीर और देव, जिनके बीच एक बहुत ही अटूट रिश्ता था। दोनों भाइयों की परवरिश राजस्थान के बहरोड़ नामक एरिया में हुई थी। कबीर जो कि बड़ा था और 12th क्लास में था, और देव जो कि छोटा भाई था और 11th क्लास में था। कहा जाता है बहरोड़ जयपुर और दिल्ली के मिड पॉइंट में आता है, जहां से सुंदर पहाड़ों की शुरुआत होती है, जहां आज भी लोग कुछ पुराने घरों में अपने पुराने रिश्तों को समेट कर रखते हैं। यूं तो कबीर के घर हर महीने किसी न किसी का आना रहता था, पर वो इतने खास रिश्तेदारों में से नहीं होते थे। इस बार छुट्टियां मनाने उनके घर प्रगति आती है, जो कि उनकी दूर की रिश्तेदार थी। प्रगति की उम्र कुछ 19 साल थी। प्रगति जो कि एक नेचर लवर थी और हमेशा कभी उत्तराखंड, कभी हिमाचल, कभी मनाली ऐसी जगह पर घूमना पसंद करती थी। इस बार दोस्तों का प्लान ना बनने की वजह से प्रगति अपने पापा से जिद करती है और अपनी 5 दिन की छुट्टियां मनाने अपने दूर के रिश्तेदारों के यहाँ आ जाती। लेकिन उसे क्या पता था जहां वो आई है वहां उसे किन किन चीजों का सामना करना होगा। प्रगति जिन रिश्तेदारों के घर आए थी वो उनके ताऊजी लगते थे, सगे तो नहीं पर सगे से कम भी नहीं थे, तो प्रगति की देखरेख में कोई कमी नहीं होने वाली थी। लेकिन जिस हिसाब से कबीर और देव से प्रगति मिली थी वो बहुत ही ज्यादा अटपटा था। प्रगति जिसने हमेशा मॉडर्न लाइफ का हर वो आनंद लिया है, वो एक ऐसी जगह पर थी जहां कबीर और देव ने शायद इतनी सुंदर लड़की पहली बार देखी हो। और उनके प्रगति को देखने के तरीके से प्रगति उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के चलने वाली थी। प्रगति के पापा एक बिजनेस ओनर थे, वो बड़े भाई साहब से मिलते हैं, रुकने का वक्त नहीं था तो शाम को चले जाते हैं। ये पहली रात थी प्रगति की उस घर में। प्रगति का एक नियम था, वो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाती थी। वो अपनी हेल्थ और डाइट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, तो वो रात का खाना खा के अपने कमरे में आती है, जिसमें पुरानी लकड़ी का एक दरवाजा और एक खिड़की थी जिससे घर के बाहर का बरामदा दिखता था। प्रगति सुबह की ट्रैवलिंग से बहुत थक गई थी। प्रगति अपने कपड़े बदलकर अपने बेड पर सोने जाती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं लगता। थोड़ी देर बाद प्रगति को उसके कमरे में अजीब सी गर्मी का अनुभव होता है, जैसे किसी की गर्म सांसें उसके बहुत करीब हो। वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कबीर उसके बहुत करीब खड़ा था। उसकी सांस अटक जाती है। कबीर प्रगति को उठता देख वहां से भाग जाते हैं। प्रगति की आधी रात ये सोचने में निकल जाती है कि ये बात वो अपने पापा को बताए या नहीं, या ताऊजी को। पर वो एक आखिरी फैसले पर आती है कि अभी बताना ठीक नहीं होगा, बेफालतू में घर में सब बातें करेंगे कि आज आई है और एडजस्ट ना होने के कारण ऐसी बातें बना रही है, और क्या पता उसकी बातों पर कोई भरोसा करे भी या ना करे। पहला दिन है, खुद को समझा लेती है कि इस घटना को भूल जाना ही ठीक होगा। प्रगति सुबह उठती है और नहाने जाती है। पुराना बाथरूम देखकर थोड़ी परेशान होती है। अच्छे से झाड़ पड़ताल करने के बाद अंदर जाती है तो देखती है कि वहां तौलिया लटकाने की जगह तक नहीं थी, और ये देखकर वो परेशान होती है। तो प्रगति कैसे न कैसे तौलिया गेट के ऊपर अटका देती है। प्रगति जैसे ही नहाने के लिए पानी चेक कर रही होती है, पीछे से तौलिया कोई खींच लेता है। पहले उसे बहुत बुरा झटका लगता है, पर वो इस हरकत को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और सोचती है जिसने भी ये हरकत की है उसे अब वो नहीं छोड़ने वाली। जब वो ये सोच ही रही होती है तो उसे बाहर
दो लोगों की बात करने की आवाज आती है। प्रगति बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कबीर के हाथ में उसका तौलिया होता है और कबीर बहुत डरा हुआ होता है, जैसे कि वो समझ गया था क्या होने वाला है। प्रगति गुस्से में लाल हो रही होती है और वो कबीर को एक कस कर चाटा लगा देती है और बोल देती है, मेरे आसपास भी दिखे तो मैं इस बार सीधा अपने और तुम्हारे पापा को बताऊंगी, और नहाने चली जाती है। कबीर अपने गाल पर हाथ रखकर वहां से निकल जाता है। प्रगति के दिमाग में ये चल ही रहा था, उसे आए एक रात ही हुई थी और क्या क्या हो रहा था उसके साथ। प्रगति की आंखों में आंसू थे, रात काफी हो चुकी थी, खाना भी ढंग से नहीं खाया था उसने। उसे लग रहा था यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है उसने। परिवार की याद अक्सर आती नहीं थी प्रगति को, पर आज उसे अपने पापा की याद बहुत ज्यादा आ रही थी। पर वो फोन करके ये सब नहीं बता सकती थी, उसके पापा उससे काफी दूर थे, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते। तो प्रगति ने सोचा सुबह वो कोई ना कोई बहाना बना के अपने पापा को बुला लेगी और फाइनली सब खत्म हो जाएगा, और सोने की कोशिश करती है। इतने में देव आता है जो कि छोटा भाई था कबीर का, और प्रगति से पूछता है, आप ठीक हो ना? प्रगति फूट फूट कर रोने लगती है और देव को एक एक कर सब बताती है जो भी उसके साथ हुआ होता है। देव प्रगति के हाथ पर हाथ रखता है और प्रगति को बोलता है, मैं नहीं जानता सच क्या है, पर आप जैसा बता रही है शायद वैसा हो भी सकता है। देव प्रगति को बताता है ऐसे एक्सपीरियंस उन्हें पहले भी रहे हैं, अक्सर कबीर अजीब हरकतें करता है और डांट भी खाता है। प्रगति पूछती है, अगर ऐसा है तो तुम अपने पिताजी को सब सच क्यों नहीं बता सकते? देव प्रगति को बोलता है, मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि कबीर मेरा बड़ा भाई है, और वहां से चला जाता है। प्रगति सोने की कोशिश करती है, पर उसे एक बात खा रही होती है कि कोई इंसान ऐसे कैसा हो सकता है। बड़ी मुश्किल से प्रगति की आंख ही लगी थी, प्रगति को नींद में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती है। उसे लगता है जैसे उसके कमरे में कोई है, वो डर के जमी की जमी रह जाती है। थोड़ी हिम्मत दिखा के वो उठती है तो देखती है उसके सामने कबीर होता है, हाथ में प्रगति के पर्सनल गारमेंट्स लिए। इस चीज को देखकर प्रगति आग बबूला हो जाती है और सीधा ताऊ जी के कमरे में जाती है और उन्हें बुला के सीधा अपने कमरे में लाती है, जहां कबीर उनके पर्सनल गारमेंट्स के साथ वहीं खड़ा होता है। कबीर के पिताजी ये देखकर शर्मसार हो जाते हैं और कबीर को एक जोर का थप्पड़ कान पर लगाते हैं। उस वक्त कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी प्रगति, क्यों कबीर, इतना शरीफ क्यों बन रहे हो, बताते क्यों नहीं? कबीर, जब से आई हूं मुझ पर गंदी नजर है तुम्हारी, कभी तोलिया खींचते हो, कभी मेरे कमरे में ताक झांक करते हो। प्रगति ताऊजी को बोलती है, प्लीज मैं अपने पापा को बुला रही हूँ। ताऊजी प्रगति के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं, बेटी हमारी इज्जत उतर जाएगी, ऐसा मत करो। काफी देर बाद माफी मांगने के बाद वो आखिरी में एक निष्कर्ष पे आती है कि प्रगति वहां से अगले दिन चली जाएगी और वो यहाँ कभी नहीं आएगी और ना उसको ऐसी रिश्तेदारी से कोई मतलब रहेगा। प्रगति अपने पापा को कॉल करती है और उन्हें बोलती है, प्लीज पापा आके मुझे यहाँ से ले जाइए, मेरा मन नहीं लग रहा है। वो भी इस बात को मान लेते हैं। ये सुनकर ताऊ जी बहुत ही ज्यादा निराश होते हैं कि ये उनके घर में क्या ही हो रहा है। वो अपनी परवरिश पर सवाल उठता देखते हैं, उनका मन अंदर से टूट जाता है और वो वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन प्रगति के पापा उसे लेने आते हैं और वहां से प्रगति को लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कबीर के पापा एक तांत्रिक को बुलाते हैं कबीर को दिखवाने के लिए कि इस पर कोई आत्मा का साया तो नहीं है। तांत्रिक अपनी क्रिया शुरू करता है और कबीर बस बैठकर सब देखता रहता है। आखिर में तांत्रिक कबीर के पापा को कहता है, आपका लड़का बिल्कुल ठीक है, ये काम वासना में पागलों वाली हरकतें कर रहा है, लड़कियों को देखकर ये पागल हो जाते हैं, इसे पागल खाने में डाल दो, कुछ वक्त के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। कबीर के पापा तांत्रिक के पैर छू के उनसे विदा लेते हैं और उनके जाते ही कबीर को पागल खाने की ओर ले जाते हैं।
सारी फॉर्मेलिटीज करवाने के बाद जब सब जा रहे होते हैं तो देव बोलता है, पापा क्या मैं एक बार कबीर भैया से मिल सकता हूँ? उसके पिताजी एक बार पलटते हैं और बोलते हैं, ज्यादा वक्त मत लगाना, और चले जाते हैं। पागल खाने में देव कबीर के पास जाता है और बोलता है, भैया आपने ये क्यों किया? कबीर देव की तरफ गुस्से में देखता है। तभी देव कबीर का छोटा भाई अपने बड़े भाई कबीर से कहता है, मेरे सारे गंदे काम आपने अपने ऊपर ले लिए, और जोर से हंसने लगता है। शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या हुआ इस कहानी में, नहीं तो आपको थोड़ा वक्त देते हैं कि देव ने कबीर से ऐसा क्यों कहा। दोस्तों कबीर का छोटा भाई देव एक मानसिक रोगी था। पहली रात देव प्रगति को खिड़की में से झांक कर देख रहा था। कबीर प्रगति के कमरे के सामने से निकल रहा था और देव को ऐसी हरकत करता देखकर कमरे में आके उसे वहां से जाने को बोलता है। देव तो चला जाता है। तभी प्रगति उठती है तो वो कबीर को सामने खड़ा देखती है, तो बड़ा भाई कबीर फंस जाता है। फिर अगले दिन देव वॉशरूम से तौलिया खींचता है। कबीर देव का बड़ा भाई उसे ऐसा करता देख लेता है। कबीर देव से तौलिया छीनकर वापस लगाने जा रहा होता है, तब तक देव वहां से भाग जाता है। तो प्रगति कबीर को सामने लगे हाथ पकड़कर चाटा लगा देती है। फिर से कबीर फंस जाते हैं। और आखिरी दिन जब देव प्रगति के हाथ पर हाथ रखता है और ये देखता है कि प्रगति उसे कुछ नहीं कह रही है, तो देव को लगता है कि प्रगति भी उसे पसंद करती है। उसकी एक याद रखने के चक्कर में वो उसके बैग में से कुछ निकालने की सोचता है। तभी कबीर उसे रोककर समझाता है और ये सुनकर प्रगति उठती है। तब तक देव वहां से निकल जाते हैं। उसे फिर कबीर उसके कमरे में खड़ा मिलता है और आगे क्या हुआ वो आपने कहानी में सुना ही। देव अब किसी नए रिश्तेदार के इंतजार में है और कबीर पागल खाने में। आई होप ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी जो आपने देखी अभी, कबीर और उसके भाई देव और प्रगति की। ऐसी और ऑडियोज़ के लिए, ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसे एंजॉय कर पाएँ। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो इंसिडेंट आप हमें शेयर करना चाहते हैं, या किसी और के साथ हुआ है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे आप उसे शेयर कर सकते हैं। मैं खुद नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आपका दोस्त अक्षय वशिष्ठ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।